वेलकम टू आई लव लिटरेचर. आई एम हियर टू टॉक अबाउट वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ. आज हम सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, हम उनके वर्क्स की बात नहीं करेंगे, हम उसकी क्रोनोलॉजी नहीं देखेंगे वर्क्स की, कि पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, उसके बाद ये लिखा. ये आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं. हम सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, और जब हम वर्ड्सवर्थ को समझ जाएंगे तो हमें उनके वर्क्स भी रटने नहीं पड़ेंगे. हम उनकी लाइफ के थ्रू, उनके दिमाग के थ्रू, उनके वर्क्स को हम बाद में याद करेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या थे. नाउ वर्ड्सवर्थ को आप कोलरिज और डॉरोथी के बिना नहीं पढ़ सकते. अगर आपको वर्ड्सवर्थ जो थे वो बने, जो भी वो बने, वो बिकॉज ऑफ कोलरिज एंड डॉरोथी, जो उनकी सिस्टर थी उसकी वजह से बने. अब हम वर्ड्सवर्थ, डॉरोथी और कोलरिज के साथ 17 नंबर को अटैच कर देते हैं. 17 क्यों? बिकॉज वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन द ईयर 1770 एंड कोलरिज वॉज बॉर्न इन द ईयर 1772. दो साल कोलरिज छोटे थे वर्ड्सवर्थ से. और 1771 में डॉरोथी का बर्थ हुआ था. तो ये इनके नंबर ऐसे हैं, 70 वर्ड्सवर्थ, 71 डॉरोथी, 72 कोलरिज. अब हम देखते हैं कोलरिज की लाइफ के बारे में, और आगे भी मैं 17 नंबर नहीं लूंगी. वट एवर हैपेंड इन 91 का मतलब होगा कि 1791, 95 अगर मैं बोलती हूँ तो 1795 होगा. 98 में अगर मैं बोलती हूँ कि लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ तो उसका मतलब है 17. आपको 17 आगे अपने आप जोड़ लेना है. नाउ कमिंग बैक टू वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा उस टाइम का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोलूंगी कि उस टाइम तक न्योक्लासिकल था और न्योक्लासिकल रिप्रेजेंटेड रीजन, और रीजन को बीट करने के लिए फीलिंग्स आई एंड ऑल दोज थिंग्स यू नो ऑलरेडी. आई जस्ट टॉक अबाउट टू थिंग्स. एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा था. आप समझिए कि विलेजेस जो हैं उनको टाउन्स बनाया जा रहा है. विलेज से जो लोग हैं वो डिस्प्लेस होके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सब लोग. और जब उनको टाउन बनाया जा रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा है तो सब कुछ बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो गया है. फॉर एन एग्जाम्पल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सब लोग अपने खेतों में काम करना जाते थे. बच्चे भी जाते थे, नो प्रॉब्लम. थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, होम स्कूलिंग भी होती थी उस जमाने में, और बाकी टाइम वो खेत पे काम करना जाते थे. बच्चे खेत पे काम करते थे लेकिन अपने पेरेंट्स के सुपरविजन के अंडर करते थे. उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था. वो एक्सप्लॉयटेशन उनका होने लगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में बच्चे, तब तक कोई लॉ नहीं था, तो वो फैक्ट्री में काम करने जाते थे. एंड नाउ रिमेम्बर चिमनी स्वीपर्स, कि उनकी क्या हालत होती थी, उनसे कैसे काम कराया जाता था कोयलों के बीच में. जब वो खेतों में काम करते थे तब ऐसा नहीं होता था. अब चलिए हम वापस खेतों में आ जाते हैं. और जब खेत में काम करने जाना होता था, सुबह सुबह जब जाना होता था, तो ये मालूम होता था कि हाँ सुबह हो गई है और अब हमें टिफिन लेके और अपना खाना पैक करा के लेके जाना है, या हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा खेत में जब, तो बीच में खाना खाने आ जाएंगे, टर्न वाइज आ जाएंगे. एक बार पिताजी आ जाएंगे, फिर बच्चा आ जाएगा, और ऐसा चलता रहेगा. नाउ इमेजिन कि आपके टाउन में, आपकी सिटी में एक क्लॉक लगा दिया, एक जिसे हम घंटा घर बोलते हैं, वो सब जगह लगा दिया. और वो घंटी जब बजती थी, कि अगर 9 बज गए, घंटी बजी, तो आपको फैक्ट्री के अंदर होना है. तो क्या ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो लोग जिन्होंने टाइम की का लेजर देखा है, उनको पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा. उसी तरीके से जो गांव के लोग थे, जो ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. अब वही खेत में जब जाना होता था, सुबह 9 बजे अगर जाना होता था, तो खेत में 9 बज के 5 मिनट, 9 बज के 10 मिनट का कोई रूल नहीं होता था. मैकेनिकल नहीं थी लाइफ. लेकिन वही आपको फैक्ट्री में जाना है, एक क्लॉक टावर लगा दिया, उसमें घंटी बज रही है, तब आपको फैक्ट्री के अंदर होना है. ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था उन लोगों के लिए. अब उसको आज के जमाने से कंपेयर करिए. मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म सब हो गया. आज के जमाने से कंपेयर करिए. जब मुझे कॉलेज जाना होता है, जब आपको कॉलेज जाना होता है, और इमेजिन वहां पे बायोमेट्रिक्स होते हैं,
और 9 बजे पहले के जमाने में, जब आप तो क्या, जब कॉलेज जाया करते थे बच्चे प्रोफेसर्स, तो उनको मालूम होता था 9 बजे, 9:05 10 मिनट में ज्यादा फर्क नहीं होता था, जब तक कि कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हो जाती। आज हर जगह बायोमेट्रिक है, आपको अपने फिंगरप्रिंट करना है, 9:01 हुआ, फिंगरप्रिंट आप कर ही नहीं सकते, और ज्यादा मैकेनिकल हो गया है। और ये चीजें टॉर्चर करती है, आपको लाइफ को एंजॉय करने नहीं देती। तो जब ना अंडरस्टैंड दिस, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें कोलरिज के दिमाग में थी, इसी को राइट नाउ थिंक कि यही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल टू यू, एक तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए, और ये चीजें सिटी में होती हैं, गांव में नहीं होती, इसलिए गांव की लाइफ अच्छी लगती है। गांव पे काम करना है तो थोड़ा सा फ्री है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, वहां इंसान की कदर है, यहाँ पे घड़ी की कदर है, घड़ी में इतना बच जाएगा, घड़ी में इतना बच जाएगा, इंसान को क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों नहीं आ पाया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दैट वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट वॉज यू नो गेटिंग मैकेनिकल विद एवरीथिंग। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज समथिंग विच प्रोमिस्ड लिबर्टी टू एवरीबडी। फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज समथिंग विच सेड कि हर इंडिविजुअल इस दुनिया में इंपॉर्टेंट है, सब लोग सब्जेक्ट्स नहीं है। नाउ सब्जेक्ट थे जब मोनार्की थी, जब मोनार्की को हम ओवरटर्न कर देंगे तो वो सब्जेक्ट सिटीजन बन जाएंगे। किंग के सब्जेक्ट्स होते हैं प्रजा, प्रजा में इंडिविजुअलिज्म नहीं होता, प्रजा मतलब प्रजा। जब आप सिटीजन बन जाते हो तो आपके राइट्स होते हैं, जब आप प्रजा होते हो तो आपके राइट्स नहीं होते, आपके सिर्फ कर्तव्य होते हैं। यू ओनली हैव ड्यूटीज, यू डोंट हैव राइट्स, बट वेन यू आर अ सिटीजन यू हैव राइट्स। तो ये जो राइट्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो टेकिंग अवे राइट्स फ्रॉम यू। मनी मनी, इंसान की कोई कदर नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में यू आर ओनली वर्कर्स, यू आर लेबर, लेबरर हैं आप सिटीजन तरीके से नहीं है, आपके राइट्स नहीं है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज मोर लाइक यू नो रिवोल्टिंग अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोनार्की और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे रख के देखिए। अब हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ की, ये बैकग्राउंड है जिसे आपको ध्यान में रखना है। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन द ईयर 1770, अब मैं 17 नहीं बोलूंगी, 1770 में उनका जन्म हुआ। उनके फादर एक लीगल एजेंट थे, एक मिनिस्टर के, लोथर वॉज द, जेम्स लोथर वॉज द नेम ऑफ दैट मिनिस्टर, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो एक मिनिस्टर के लीगल एजेंट थे। लीगल एजेंट मतलब, सॉलिसिटर का मतलब है कि वो पढ़े लिखे थे और मिनिस्टर के लिए काम करते थे, तो वेल ऑफ भी थे, अच्छे घर से थे। अब जब वो अच्छे घर से थे तो वो, ही वॉज बॉर्न इन कॉकरमथ। कॉकरमथ में उन्हें एक बहुत बड़ा सा घर मिला हुआ था, शायद कॉकरमथ का सारा सबसे बड़ा घर। और हिज फादर्स नेम वॉज जॉन, जॉन वर्ड्सवर्थ। जॉन गॉट मैरिड टू एन वर्ड्सवर्थ, जॉन की शादी एन से हुई और उनसे उनको एक बच्चा हुआ जिसका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। विलियम वर्ड्सवर्थ, टोटल 5 भाई बहन थे, जॉन वर्ड्सवर्थ के 5 बच्चे हुए। सेकेंड नंबर का बच्चा विलियम वर्ड्सवर्थ था और थर्ड नंबर की एक बेटी थी। उन 5 भाई बहनों में 4 भाई थे और एक बहन थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जिस बेटी का जन्म हुआ उसका नाम डॉरथी था, और डॉरथी वॉज जस्ट 1 ईयर यंगर टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसलिए मैंने बोला 70 में विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न, 71 में डॉरथी वॉज बॉर्न। दे वर बैप्टाइज टूगेदर और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज थे। अब जब विलियम वर्ड्सवर्थ 7 साल के थे तब उनके मदर की डेथ हो गई। फादर वॉज डिवास्टेटेड, फादर के लिए बहुत मुश्किल हो गया। क्या एक फादर जो अपने घर से दूर रहता है 5 बच्चों को संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। अब जब वो कॉकरमथ में थे, जब तक विलियम वर्ड्सवर्थ 7 साल के हुए, तो उनके फादर क्योंकि पढ़े लिखे थे तो उनके घर में, कॉकरमथ में उनके घर में एक लाइब्रेरी होती थी और उस लाइब्रेरी को विलियम वर्ड्सवर्थ जाके उधर पढ़ सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। और उनके फादर ये बोलते थे कि यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि यू लर्न,
यू लर्न शेक्सपियर, यू लर्न मिल्टन एंड स्पेंसर. शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन को याद करना है, इनको पढ़ो. तो वो जो पढ़ने की आदत थी वो उनमें बचपन से डाल दी थी. ठीक है, उसके बाद डेथ हो गई फादर की भी. फादर लॉस्ट हिज वे, ही वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड ही लॉस्ट हिज वे एंड आफ्टर दैट ही फेल इल. आफ्टर रीचिंग होम ही फेल इल एंड ही डाइड. नाउ दैट टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज 13 years ऑफ एज, 13 साल के वो थे. और जब सबकी डेथ हो गई, 5 बच्चों को कौन पालेगा, उनको रिलेटिव्स में बांट दिया गया. ये अपने मासी के घर चले गए. और डॉरथी वेंट टू ग्रैंड पेरेंट्स, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम इन पेनरिथ. अब जो इनके नाना नानी की फैमिली थी वो एक लिनन ड्रेपर फैमिली थी, जो कपड़ों का व्यापार करती थी, बिजनेस करती थी. और डॉरथी को अब वो फ्रीडम नहीं थी. और जब आप इमेजिन करो कि 13 साल के विलियम वर्ड्सवर्थ, 12 साल की डॉरथी, टीनेज एज में आने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स नहीं है, तो क्या वो किसी और के घर में एडजस्ट हो सकते हैं, भले ही वो उनके नाना नानी हो? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट. जब बच्चे टीनेज एज में आते हैं तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी कई बार अपना दुश्मन समझते हैं. उनको लगता है वो बड़े हो गए, उनके खुद के आइडियाज होते हैं. तो उस टाइम अगर उन्हें कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो उधर उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा. इट इज इम्पॉसिबल दैट दे आर गोइंग टू लव दैट प्लेस. ऐसा ही हुआ दोनों के साथ. और विलियम वर्ड्सवर्थ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उनकी बिल्कुल नहीं पटती थी जहाँ पे वो रहते थे. और इट इज रिटन समवेयर दैट ही इवन कॉन्टम्पलेटेड सुसाइड वंस. और जब आपका कहीं पे मन नहीं लगता, जिन लोगों के साथ मन नहीं लगता, आप उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं. इमेजिन यू आर एन होस्टल और वहाँ पे आपका आपके रूम पार्टनर के साथ आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कोशिश करेंगे कि ज्यादातर आप बाहर रहें. उसी तरीके से वर्ड्सवर्थ ने किया. वर्ड्सवर्थ ने कोशिश करी कि वो घर पे नहीं रह के वो नेचर में चले जाते थे, घूमने चले जाते थे. चलो शाम को घूम के आते हैं दोस्तों के साथ या जहां पर भी, और ये सब कंट्री साइड थे. लेकिन डॉरथी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था जैसा एक लड़का घूमने चला जाता है. डॉरथी वॉज अलाउड टू प्ले विथ फ्रेंड्स बट नॉट द वे वर्ड्सवर्थ कुड. तो डॉरथी ने लेटर्स लिखना सीखा, पढ़ना भी पसंद था. डॉरथी को सबसे पहली बात सब काम आता था. शी न्यू हाउ टू डू सुइंग, शी न्यू हाउ टू डू स्टिचिंग, शी कुड स्यू, शी कुड मेंड क्लोथ्स, वॉशिंग, सब कुछ, कुकिंग, सब कुछ आता था. और डॉरथी को भी पढ़ने का शौक था. तो डॉरथी सेड वंस कि जितना इम्पॉर्टेंट गूज बनाना है उतना ही इम्पॉर्टेंट चौसर को पढ़ना है, जितना इम्पॉर्टेंट खाना बनाना है उतना ही इम्पॉर्टेंट चौसर को पढ़ना है. और उनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ नहीं होता था, बस बुक्स होती थी. बुक्स आ गई, वो इमेजिन करते थे और उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था. इमेजिन कि आप ऐसे हॉस्टल में हैं जहाँ पे आपके पास टीवी नहीं है, तो आप मैगजीन्स पढ़ेंगे. फोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, तो आप मैगजीन्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे, और बस आपका टाइम पास होगा. और आपकी इमेजिनेशन विल बी यू नो वेरी पावरफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो द सेम थिंग हैपन्ड. शी यूज टू रीड, शी रेड फेरी क्वीन. और फेरी क्वीन का एक पार्ट तो दोनों ने साथ में बैठ के पढ़ा. पैराडाइज लॉस्ट, आइदर इट वॉज पैराडाइज लॉस्ट और फेरी क्वीन, दैट वॉज बुक 10, दे रेड टूगेदर. और इस तरीके से. और उसके बाद क्योंकि डॉरथी का मन नहीं लगता था, उसको अपने भाइयों की याद आती थी, शी यूज टू राइट लेटर्स टू हर ब्रदर्स. और लेटर्स लिखती थी तो उसमें अपना पेन भी बताती थी, खुशी भी बताती थी जब उसके भाई उससे मिलने आते थे. तो दैट्स हाउ शी हैड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लेटर्स, अपने भाइयों को लेटर लिखना. नाउ यू शुड रिमेम्बर दैट डॉरथी वर्ड्सवर्थ वॉज अ डायरिस्ट. वाई शी वॉज अ डायरिस्ट, क्योंकि वो लेटर्स लिखती थी. और बाद में उसने जर्नल्स भी लिखे जो मैं आपको बताऊंगी. नाउ कमिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का मन नहीं लगता था तो घूमने निकल जाया करते थे. अब यही जो घूमने जाना है वो कैसे जाएंगे, वॉकिंग करके जाएंगे? तो एन इवनिंग वॉक, ही यूज टू टेक इवनिंग वॉक, डिस्क्राइब नेचर, फील नेचर. एंड जब उन्हें लगा कि पेरेंट्स दोनों मर गए, अब ही वॉज एट द मर्सी ऑफ नेचर. और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा ह्यूमंस तो आते हैं चले जाते हैं, कौन है आप जब तक जिंदा है, आपके साथ कौन परमानेंट रहेगा, वो ये नेचर है. ओके, इट हैपन्ड दैट वे. अब यू नो ही बिकेम फ्रेंडली विद नेचर एंड
ही कुड इंजॉय नेचर. जैसे उनके फादर एक बार रास्ता भूल गए थे, वर्ड्सवर्थ भी एक बार रास्ते से भटक गए थे, बट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ नेचर, ही इंजॉयड नेचर. जो भी नेचर में जैसी भी वाइल्ड चीजें होती थी, ही यूज टू इंजॉय. नाउ ही रोट, यस दैट्स हाउ यू शुड रिमेंबर, कि रोज शाम को वॉक पे निकल जाया करते थे. तो ही रोट अ कलेक्शन ऑफ एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस. डिस्क्रिप्टिव स्केचेस कैसे याद रहेगा? ही यूज टू डिस्क्राइब नेचर, ही यूज टू मेक स्केच ऑफ अ नेचर इन हिज ओन वर्ड्स, एंड दैट्स हाउ ही रोट डिस्क्रिप्टिव नेचर. अब ये सब हो गया. नाउ वर्ड्सवर्थ ने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, बीए करा वर्ड्सवर्थ ने, 91 में पास आउट हो गए, 1791 में बीए कर लिया. और बीए करने के बाद वो इसी मीन वाइल, जब भी छुट्टियां पड़ी, ही वेंट ऑन अ टूर, वॉकिंग टूर. कहाँ गए? स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस घूमने गए. जब वो फ्रांस में उन्होंने एक टूर लगाया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड. फ्रांस में गए तो फ्रांस में अटक भी गए बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड ही वॉज सो यंग, अ बॉय ऑफ 20-21 ईयर्स ऑफ एज. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. ही वॉज लाइक, हाँ, इंसान की कदर है. और मोनार्की को ओवरथ्रो करने में उनको बहुत मजा आ रहा था, ये सब देखने में, कि येस एवरी ह्यूमन हैज इम्पोर्टेंस, और इस तरीके से यू नो लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो आइडियाज थे जिन्होंने इनको इंस्पायर किया, वो सेम उन्होंने सोचा, ये सब फिलोसफी में था, रूसोस फिलोसफी. रूसो सेड अ मैन इज बॉर्न फ्री, अ मैन इज बॉर्न विथ फ्रीडम, बट ही इज शैकल्ड इन चेन्स. तो जब यू नो ही रेड शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन इन हिज चाइल्डहुड, तो आपको क्या लगता है उन्होंने रूसो को नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा. और रोमांटिसिज्म वॉज ऑलरेडी देयर इन फ्रांस. तो अब हम अगर इनकी बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, तो वर्ड्सवर्थ ने बोला कि ये पॉलिटी में, ये पॉलिटिक्स में है कि एक इंसान जो है वो सब्जेक्ट नहीं होके अब सिटीजन बनेगा, और उसको लिबर्टी होनी चाहिए, और वो जो चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहे रह सकता है, उसकी अपनी जिंदगी है. तो ये सेम चीज पोइट्री में भी हो सकती है, ये सेम चीज आर्ट में भी हो सकती है. आर्ट, दिस दैट सेम पॉलिटिकल थॉट, यू नो, ही ब्रॉट दैट इन टू आर्ट. एंड दैट वॉज यू नो ग्रेटनेस ऑफ हिम दैट ही कुड डू दैट इन आर्ट. एंड दैट्स वाई इट इज सेड दैट लिरिकल बैलेट, आई लव दीज लाइन्स, लिरिकल बैलेट इज अ रेवोल्यूशन इन 23 पोम्स. लिरिकल बैलेट इज अ रेवोल्यूशन इन 23 पोम्स. वो हम बाद में देखेंगे कैसे, इन सब आइडियाज के साथ. और फिर वहां पे यू नो ही गॉट ही फेल इन लव विद अ वुमेन, ही गॉट अ चाइल्ड आउट ऑफ दैट वुमेन, कैरलिन. और फिर वो उनको, व्हेन ही हैड सम फिनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे नहीं थे पास में, तो उनको इंग्लैंड वापस आना पड़ा. और वहां पे लाइफ बहुत मुश्किल थी, फ्रांस में रहना, तो पेरिस में रहना, और उनको फ्रांस वापस इंग्लैंड आना पड़ा बिकॉज ऑफ फिनेंशियल डिफिकल्टीज. एंड व्हेन ही केम बैक, एनेट ने एक ब्यूटीफुल डॉटर कैरोलिन को बर्थ दिया. और इस तरीके से लाइफ चलती रही. जब वो वापस आए तो उन्हें कुछ पैसे मिले, और उसके बाद वो और डॉरथी रेस डाउन डॉर्सेट में जाके रहने लगे. अब जब वो डॉर्सेट में रहने लग गए, तो डॉर्सेट वॉज क्लोजर टू सॉमरसेट, वहां पे कोलरिज रहते थे. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कोलरिज गांव में क्यों रहते थे. ये गांव में इसलिए रहते थे क्योंकि एक तो इनको नेचर से प्यार था. जब वर्ड्सवर्थ सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, मैंने अभी आपको बताया उन्होंने बीए किया सेंट जॉन कॉलेज से, कैम्ब्रिज में जो था. तो जब वो उस गांव से सिटी में गए, कैम्ब्रिज में गए, तो उन्हें फील हुआ कि कैम्ब्रिज में तो वो लाइफ ही नहीं है जो लाइफ गांव में होती है. एंड ही डिडंट लाइक बीइंग देयर, इसलिए उनको छुट्टियां मिलते ही घूमने निकल जाना, नेचर में निकल जाना. जब वापस उनका बीए हो गया, नाउ ही हैड लिबर्टी टू लिव वेयर एवर, ही वेंट टू लिव इन रेस डाउन इन डॉरसेट. वहां रहने के दो रीजन थे, एक तो ये कि उनको कंट्री साइड में रहना था, दूसरा सिंस ही वॉन्टेड टू बी अ पोएट, पैसे बचाने के लिए. आप जितने दूर जाएंगे, गांव में रहेंगे, उतना आपको इजी होगा, ये भी दूसरी बात थी. ओके फाइन, अब वो वहां पे रहने लग गए. वहां से कुछ दूर सॉमरसेट में कोलरिज रहते थे. कोलरिज दे न्यू ईच अदर, क्योंकि कोलरिज लेक्चर्स देते थे और वर्ड्सवर्थ ने कुछ पोएम्स लिखी हुई थी, तो कोलरिज उन्हें जानते थे, और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए. एंड देन
कोलरिज रोज 50 मील चल के वर्ड्सवर्थ के पास आते थे. ही यूज टू वॉक 50 माइल्स एंड रिमेंबर 50 माइल्स इज मोर देन 50 किलोमीटर्स. यू वॉकिंग मोर देन 50 किलोमीटर्स एवरी डे टू मीट समबडी. दैट्स व्हाट कोलरिज डिड. बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की राइटिंग स्टाइल के बारे में बात आती है तो ये थोड़े से डिफरेंट हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी. फॉर मी इट्स लाइक कि कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया लिखने के लिए. वर्ड्सवर्थ लिखते थे लेकिन वर्ड्सवर्थ उस तरीके से नहीं लिखते थे जैसा कोलरिज लिखते थे. कोलरिज वॉज फेरोशियस इन राइटिंग. कोलरिज आउटपुट वॉज सो लार्ज. आप कोलरिज की पोएम्स भी पढ़ेंगे आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ हैज रिटन स्मॉलर पोएम्स, बट कोलरिज की पोएम्स थोड़ी सी अलग हैं. कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट है इनकी भी पोएम में है, बट देन देर इज सम डिफरेंस. और डॉरथी ने भी इंस्पायर किया, दोनों को इंस्पायर किया. दोनों कुछ लिखते थे, डॉरथी को पढ़ाते थे, डॉरथी पढ़ती थी उनको इंस्पायर करती थी, क्योंकि डॉरथी भी बचपन में बुक्स पढ़ती थी, जर्नल्स लिखती थी. शी यूज्ड टू इंस्पायर देम एंड डॉरथी सेड कि एक बंद कमरे में बैठ के हम पोएट्री नहीं लिख सकते हैं, यू नो, अमंग डेड लीव्स, लाइक दीज आर डेड लीव्स, वी कांट राइट ऑन डेड लीव्स. अमंग डेड लीव्स वी नीड टू गेट इंस्पायर्ड. अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है जो पहले किसी ने नहीं लिखा तो आपको इंस्पिरेशन चाहिए और वो इंस्पिरेशन नेचर से मिलेगी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों नेचर में गॉड दिखता था इन लोगों को. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की को डिस्ट्रॉय कर दिया. मोनार्की की किंग जो है वो भगवान का अवतार है, भगवान ने भेजा है, और ये सब बातें डिस्ट्रॉय कर दी. एंड एट द सेम टाइम जो एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती थी, चर्च से विश्वास उठ गया कि जो चर्चेस बताते हैं वो गलत बताते हैं. तो गॉड चर्च में तो है ही नहीं, तो गॉड कहाँ है? गॉड नेचर में है. दैट्स हाउ दे गॉट दिस आइडिया कि गॉड तो नेचर में है. नेचर इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स और नेचर में आपको सब कुछ मिलेगा. एंड दैट्स वाई वर्ड्सवर्थ वॉन्टेड टू बी अ पेगन. वर्ड्सवर्थ सेड कि मैं काश पेगन होता. और पेगन मीन्स जो जिसको लाइक वी हिंदूज आर पेगन यू कैन से, क्योंकि हमें नेचर में हर चीज में, एक पत्ते में भी भगवान दिखता है, एक नदी में भी भगवान दिखेगा, हमें पहाड़ में भी भगवान दिखेगा. द सेम थिंग हैपेंड विद वर्ड्सवर्थ. और वर्ड्सवर्थ को हर चीज में ईश्वर दिखने लग गया और गॉड दिखने लग गया. उसके बाद दे वर लिविंग इन रेस डाउन. और उसके बाद वो एल्फॉक्सडन चले गए, जो कि एक दूसरी जगह थी वहीं पे, और वो सॉमरसेट से और ज्यादा करीब थी कोलरिज से. और कोलरिज और ये बहुत टाइम स्पेंड करते थे. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ 95 में मिले और फिर उन्होंने 4 साल मेहनत करके 98 में लिरिकल बैलेड लिख दिया और उसको अनोनिमसली पब्लिश किया. दोनों ने अपनी पोएम्स लिखी नेचर से रिलेटेड, क्योंकि उनको डर था कि लोग इसको कैसे रिएक्ट करेंगे. लोगों ने पढ़ा, लोगों की मिक्स्ड फीलिंग आई. लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, इसमें थोड़ी लिखते हैं. सी दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, वो सेम लिबर्टी का आइडिया वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएट्री में लगाया, कोलरिज ने अपनी पोएट्री में लगाया. उन्होंने बोला कि जब उनको लिबर्टी है तो हमको पोएट्री राइटिंग में लिबर्टी क्यों नहीं है? हमको क्यों किसी सेट मीटर में लिखना है? हमको क्यों किसी सेट पैटर्न में लिखना है? हमको दिमाग क्यों लगाना है कि मीटर में ये वर्ड फिट हो रहे हैं या नहीं? नहीं, हमारी फीलिंग्स है, हम फ्रीली लिखेंगे. सो दैट्स हाउ दे वर अगेंस्ट रीजन एंड दे सपोर्टेड फीलिंग. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. न्योक्लासिकल सपोर्टेड रीजन. रीजन क्यों? अगर आपको मीटर लिखना है तो वो मीटर आपको सीखना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्री वर्ड्स. अगर आपको किसी पर्टिकुलर इयाम्बिक पेंटामीटर में कुछ लिखना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा. उसमें अपने इमोशंस को आपको फिट इन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा. बट जब आप ब्लैंक वर्ड्स, आप फ्री वर्ड्स में लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है? सिर्फ फीलिंग्स, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स. द सेम थिंग दे डिड इन लिटरेचर. अब जब उसके बाद जब मिक्स्ड रिएक्शन आया तो उन्होंने 1800 में जब अपना सेकेंड एडिशन पब्लिश किया तो उसके साथ एक प्रेफेस ऐड किया, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड. और उस प्रेफेस में बताया कि सी पोएट्री इज अ हमारे इमोशंस का जो है वो
एक पावरफुल फ्लो है हमारे इमोशंस का, और इसलिए हम पोइट्री को एक आम इंसान की भाषा में लिखना चाहते हैं, एक आम इंसान की तरह जब हम जहाँ पे भी खड़े होते हैं फील करते हैं तो हम लिखते हैं. तो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, एंड दे जस्टिफाइड, और लोगों ने उसे बहुत वेलकम किया, और फिर लिरिकल बैलेड के चार पब्लिकेशन आए. अब जब मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने लिरिकल एडवर्टिजमेंट टू लिरिकल बैलेड पब्लिश कर दिया 98 में, और उसके बाद ये लोग घूमने चले गए. कौन कौन? नाउ वर्ड्सवर्थ, डॉरथी और कोलरिच तीनों जर्मनी घूमने चले गए. अब जब वो जर्मनी घूमने गए तो कोलरिच को बहुत इंस्पिरेशन मिली नेचर से, ठंड हो गई वहां पे, ऑटम में गए थे, बट कोलरिच को बहुत मजा आया, बट वर्ड्सवर्थ को नहीं आया. वर्ड्सवर्थ वाज फीलिंग होमसिक, उसे घर की याद आ रही थी, और उसी टाइम उसने डिसाइड किया कि मैं प्रिल्यूड लिखता हूँ, मतलब अपनी अपने ग्रोथ में जैसे ग्रो हुआ हूँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ. और उसी टाइम उन्होंने लूसी पोम्स भी लिखी अराउंड दैट टाइम, क्योंकि उन्हें होमसिक फील हो रहा था. ही वॉज नॉट फीलिंग गुड इन जर्मनी. कोलरिच वॉज वेरी हैप्पी. अगर लूसी पोम्स के आप अगर टाइटल्स देखें, उन पोएम्स को आप देखें, तो आप अपने आप समझ जाएंगे. जैसे लुक एट द टाइटल, अगर आपको टाइटल देते हैं किसी पोएम का और पूछते हैं कि क्या ये लूसी पोएम से है या इससे है या पोएम्स के कलेक्शन से है, या तो आपको टाइटल से समझ में आना चाहिए, क्योंकि लूसी पोएम्स लिखने के टाइम पे वर्ड्सवर्थ वाज नॉट हैप्पी, नॉट इन अ हैप्पी मूड. लिसन द टाइटल, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, फिट्स, स्ट्रेंज फिट्स. ओके, देन शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, अनट्रॉडन वेज जहां पे गए नहीं है. आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन के बीच में, हिज टूर टू जर्मनी. Then 3 years she grew in sun and shower. Okay, a slumber did my spirit seal. A slumber did my spirit seal. So, आपको टाइटल से ही पता लग जाना चाहिए कि ये लूसी पोयम है. जो आपको डाउट होता है 3 years she grew, आप इस टाइटल को याद कर सकते हैं, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ दे रोट. फिर 1799 में, आई सेड 98 में उन्होंने लिरिकल बैलेड पब्लिश किया, उसी ईयर में ऑटम में वो जर्मनी चले गए, और जब 99 में वापस आए, दैट टाइम ही शिफ्टेड टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन डव कॉटेज. वहां से भी शिफ्ट होते रहे थोड़ा थोड़ा, डव कॉटेज से भी आगे रिंडाल गए वो, और डव कॉटेज में उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया. वाई दे यूज टू शिफ्ट, मैंने आपको जैसे बताया कि पहले वो डॉर्सेट में थे, उसके बाद वो वहीं से डव डॉर्सेट में जब वो थे तो वहीं से वो शिफ्ट हो गए थे एल्फॉक्सडन में, और उसके बाद ग्रासमियर में शिफ्ट हो गए थे. तो व्हाई व्हाई डिड दे शिफ्ट, रेस डाउन लॉज से दे वेंट टू एल्फॉक्सडन, और एल्फॉक्सडन से ग्रासमियर, और फिर वापस आते हैं, फिर लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं डव कॉटेज में, और उसके बाद फिर वापस शिफ्ट हो जाते हैं. व्हाई दिस शिफ्टिंग? एक तो जहां पे अगर कोई प्लेस उनको इंस्पायर करना बंद कर देती थी तो वो वहां से शिफ्ट हो जाते थे, बिकॉज दे हैड टू राइट समथिंग न्यू दैट वॉज नॉट रिटन इन एनी बुक. जैसे मुझे इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं कोई बुक पढ़ती हूँ, मुझे मिल जाती है, दे वर राइटिंग समथिंग विच वॉज नॉट एट ऑल देयर, और उसके लिए उनको शिफ्ट होना पड़ता था, और दूसरी बात उनको ऐसी जगह रहना पड़ता था जहां उनके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे, बिकॉज पोइट्री वेरी प्रिकेरियस काइंड ऑफ थिंग, कि आपको पैसे तब मिलेंगे जब वेल रिसीव होगा मार्केट में, इट्स लाइक अ बिजनेस. और उसी तरीके से, और फिर जब वो डव कॉटेज उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ओवर क्राउडेड हो गया था, उनको ओवर क्राउडेड जगह अच्छी नहीं लगती थी. तो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड्सवर्थ. और उसके बाद एक और चीज कि टिंटन एबी में ऐसा क्या था कि वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी के बारे में लिखा. सी, रोमांटिक्स को रुइन से बहुत प्यार था, रुइन्स मतलब खंडरों से बहुत प्यार था, और उसका ये रीजन था. इमेजिन
आई डोंट नो अबाउट यू बट देन इफ आई गो टू माई नानीज होम नो बडी लिव्स देयर. वो एक ऐसा ही है कंट्री साइड में और वहां पे एक जंगल में एक घर है. देर इज ओनली वन होम दैट एक पूरे जंगल इन द सेंस खेतों के बीच में एक घर है और उस घर में अब कोई नहीं रहता बिकॉज एवरीबडी हैज स्टडीड वेल एंड शिफ्टेड एंड यू नो लिव्स इन सिटीज. उस तो जब उस घर में कोई नहीं रहता वो एक जंगल में घर है तो वहां पे वो खंडर बन गया है. इट इज नॉट टेकन केयर ऑफ. लेकिन जब व्हेन आई गो देयर इमेजिन वर्ड्सवर्थ गोइंग टू सच प्लेस ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड. ही रिमेंबर्स वो टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था जब ऐसी चीजें वेल थी. उसके उसके दिमाग में कितने सारे वो पुराने थॉट्स आ जाया करते होंगे एंड दैट्स व्हाई उन्हें खंडर से इसलिए प्यार नहीं है क्योंकि वो खंडर हैं वो बदसूरत हैं. बिकॉज खंडर रुइंस एक्चुअली ट्रांसपोर्ट देम टू सम अदर वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड विच वॉज सो प्योर where there was no industrialization, where people were not running after time, people were not running after money, they actually knew how to, you know, enjoy life. Do we know how to enjoy life? No. We have a deadline. Subah 9 baje se itne baje tak kaam karna hai. And even if I want to teach the way I want to teach, I cannot because I have a period ki mujhe 30 minutes padhana hai, mujhe 40 minutes mein apna chapter complete karna hai. Can I teach freely? No, it is not possible now. बिकॉज हर चीज टाइम बाउंड है. एवरी थिंग इज कि इतने लेक्चर्स इतने आवर्स ऑफ लेक्चर्स में ये सब कुछ कम्प्लीट करना है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है. सो यू नो बट दिस काइंड ऑफ फ्रीडम वी हैव ऑन यूट्यूब सो दैट्स ऑल. सो दैट इज यू नो अबाउट वर्ड्सवर्थ. और फिर जब 1802 में वो जब फ्रांस और इंग्लैंड के टर्म्स बहुत कुछ सही हो गए. सी जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तब इंग्लैंड में भी मोनार्की थी और इंग्लैंड को बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छा नहीं लग रहा था. एंड देन फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म भी हो गया तो रेन ऑफ टेरर आ गया और इनके बीच में बहुत टेंशन हो गई. 1802 में जब वो वापस फ्रांस गए अपनी बेटी कैरोलिन से मिले देन ही रोट दिस ब्यूटिफुल पोएम. इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री. Okay, that evening was free for him. That evening was calm for him. And he met his daughter. और उसके बाद जब उन्होंने मेरी हचिनसन से इंग्लैंड में शादी कर ली थी तो भी उन्होंने अपनी डॉटर की शादी में बहुत जेनरस अमाउंट दिया था. मेरी हचिनसन ने काफी सपोर्ट किया. See, remember one thing. मेरी हचिनसन से शादी